राधे राधे, जय श्री कृष्ण। थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। जब साल 2022 की शुरुआत होने वाली थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये जो साल है वो समुन्द्र मंथन के जैसे रहेगा, जिसमें जो विष है वो सतह पे आएगा, और वो इसलिए आएगा क्योंकि वो जरूरी होगा ताकि हमें अमृत की प्राप्ति हो सके। उसके बाद में महाशिवरात्रि से पहले फरवरी में मैंने 2-3 वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आप लोगों से कहा द वर्ल्ड हैव टू चूज, इस दुनिया को चुनना पड़ेगा वेदर इट इज डिस्ट्रक्शन और वेदर इट इज क्रिएशन। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी कहा था कि कुछ लोग डिस्ट्रक्शन को चुनेंगे, क्रिएशन को नहीं चुनेंगे। एक और वीडियो बनाया था मैंने, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इन द मिड्स ऑफ केओस असेंट विल राइज। जब इस दुनिया में एक केओस जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तब कोई ऐसी आत्मा जागृत होगी जो वर्ल्ड स्टेज पे आएगी, जो इस दुनिया को प्रभावित करने वाली है। और अगर हम ये पिछले 3.5 महीने देखते हैं तो जो मैंने देखा था, जो विजन मैंने देखा था 2022 का, वो उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ये मेरे लिए खुशी की बात नहीं है। खुशी की बात इसलिए नहीं है क्योंकि जब एक जानवर किसी जानवर को मारता है तो वो उसकी मजबूरी होती है। मजबूरी इसलिए होती है क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारेगा तो वो भूखा ही मर जाएगा। भोजन जरूरी होता है, इसलिए जंगल में एक जानवर किसी और जानवर को मारता है। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया है कि इंसान की ऐसी क्या मजबूरी होती है जिसके कारण एक इंसान दूसरे इंसान को मारता है। भोजन तो उसकी मजबूरी नहीं है क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को मार के खाता नहीं है, तो फिर मजबूरी क्या है? मजबूरी कुछ नहीं है, लेकिन मजबूरी पैदा की जाती है, पैदा की जाती है ताकि इंसान उस दिशा में आगे बढ़े और उसकी सोच की बुद्धि पर ताला लग जाए। और कुछ लोग जिस तरह से इस दुनिया को चलाना चाहते हैं फिर ये दुनिया उन्हीं के इशारों पर चले। ये 2022 की जो शुरुआत हुई है 3.5 महीने में, ये एक ट्रेलर है, एक ट्रेलर है। और मुझे बड़ा अजीब लगता है, बड़ा अजीब इसलिए लगता है कि जब इस दुनिया को समझने की आवश्यकता है तो वो अपनी सोच को उस हद तक नहीं लेके जाती है कि इसका अंत क्या है। क्योंकि आप सिर्फ शुरुआत कर सकते हैं, आपके हाथ में सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अंत फिर प्रकृति के हाथ में होता है। व्हाट यू चूज इट बिकम्स योर डेस्टिनी। जो आप चुनते हैं फिर वही आपका भाग्य होता है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है तुम सिर्फ कर्म करो लेकिन उस फल की तरफ मत देखो, क्योंकि वो जो फल है वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि वो जो कर रहे हैं उससे उनको जो फल की प्राप्ति होने वाली है वो उसी रूप में होने वाली है, और वो एक बहुत ही बड़े संशय में जी रहे हैं, एक ऐसे संशय में जी रहे हैं जिसका भुगतान उनको आने वाले समय में करना पड़ेगा। इस इंसानियत को ये समझना पड़ेगा, हम इंसानों को ये समझना पड़ेगा कि हम कठपुतली नहीं है, हम कठपुतली नहीं है। और हमें वो देखना चाहिए जो हमें दिखाया नहीं जा रहा है, हमें वो सोचना चाहिए जो हम सोच नहीं पा रहे हैं, और हमें वो सुनना चाहिए जो हम सुन नहीं पा रहे हैं। अगर हम आज भी नहीं जगे, अगर हम आज भी नहीं जगे तो फिर बहुत देर हो जाएगी। लोग सतयुग की बात करते हैं, लोग युग परिवर्तन की बात करते हैं, लेकिन किसी को ये पता नहीं है कि ये सतयुग होता क्या है, ये युग परिवर्तन होता क्या है। अरे युग होता क्या है? युग का मतलब होता है जो सम्मिलित सोच होती है वही युग होता है। सतयुग में जब सबकी सोच अच्छी थी तो वो सतयुग था,
और ये कलयुग इसलिए है क्योंकि यहां पर सबकी जो सोच है वो काली है, वो काली है, मैनिपुलेटिव है। तो युग परिवर्तन का मतलब ये होता है कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, जब हम अपनी दृष्टिकोण को बदलते हैं, तभी हम इस युग को उस परिवर्तनशील चक्र से मुक्त कर सकते हैं जिसमें आज हम फंसे पड़े हैं। मैं क्या कहूं जब इस दुनिया में इतने विद्वान हैं, इतने समझदार व्यक्तित्व हैं, लेकिन फिर भी वो आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हैं, आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हैं और तमाशा देख रहे हैं। आज कोई मरता है तो वो एक आम इंसान मरता है, एक आम इंसान ही मरता है। जब तक एक इंसान दूसरे में इंसान को नहीं देखेगा, ये दुनिया अपने विनाश की तरफ आगे ही नहीं बढ़ेगी बल्कि दौड़ रही है अपने विनाश की तरफ। इसका अंत बड़ा भयानक है, इसका जो अंत है वो बड़ा भयानक है, वो हम किसी के कंट्रोल में नहीं है। और अगर कुछ लोग सोचते हैं कि हर एक चीज उनके कंट्रोल में है तो ये उनकी बड़ी भूल है, क्योंकि सत्य कुछ और है। क्योंकि जब वो कंट्रोल प्रकृति अपने हाथ में लेगी तो हम सिर्फ एक दर्शक बन सकते हैं, उससे ज्यादा हमारी औकात नहीं होगी। हम सिर्फ एक दर्शक के रूप में उसके खेल को देखेंगे। और जिस तरह से ये समय चक्र चल रहा है, वो समय अति निकट है कि हम सिर्फ दर्शक ही बनेंगे आने वाले समय में, क्योंकि फिर जो होगा वो अकल्पनीय होगा।